हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समाजशास्त्र है यानी सोशियोलॉजी, तो उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं लगातार आप लोगों के सभी यूनिट्स के हर एक टॉपिक की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर अपने समाजशास्त्र की हर यूनिट को पढ़ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपके पिछली सेमेस्टर्स के पूरे सिलेबस को कम्प्लीट करवाया था आपके सब्जेक्ट्स के, वैसे ही मैं अब आगे भी कराऊंगी। तो देखिए, यूनिट 4 आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और मैंने यूनिट 1, 2, 3 ये सबकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए, आपका यूनिट 4 है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, इसमें आपका एक टॉपिक था संस्कृतिकरण, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है पूरी। और एक आपका टॉपिक था इसी यूनिट के अंदर पश्चिमीकरण, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और आज की वीडियो जो है आपकी यूनिट नंबर 4 का पार्ट 3 है, जिसमें आप पढ़ेंगे आधुनिकीकरण क्या है। तो देखिए, आधुनिकीकरण भी जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिस तरह संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसी तरह आधुनिकीकरण भी है। तो चलिए आधुनिकीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण अथवा औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के एकांकी या समृद्ध प्रभाव से जब परंपरागतमक समाज आधुनिकता की ओर बढ़ता है, तो समाजशास्त्री उसे आधुनिकीकरण का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट, संस्कृतिकरण सबसे पहले कहा जा रहा है। संस्कृतिकरण क्या है आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। पश्चिमीकरण, जब संस्कृतिकरण होता है समाज में, या फिर जब पश्चिमीकरण होता है, या फिर औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का क्या मतलब कि जब समाज में बड़े बड़े उद्योग धंधे बड़े बड़े पैमाने पर किया जाने लगा हो, नगरीकरण होने लगा हो, यानी नगरों का ज्यादा विकास होने लगा हो, तो ये सब सारी चीजें जब एक समाज में होने लगती हैं, तो जब ये सारी चीजों के प्रभाव से समाज में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने लगती हैं, तब समाज क्या है आधुनिकता की ओर बढ़ने लगता है। उसमें क्या है, उस समाज में आधुनिकीकरण होने लगता है। किस समाज में आधुनिक, कौन सा समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ता है, जिसमें जिस समाज में सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण होने लगता है, तो इन सभी के प्रभाव से जिस समाज में आधुनिकीकरण होने लगता है, तो उसी को समाजशास्त्री आधुनिकीकरण कहते हैं। देखिए, आजकल इस शब्द को ना एक वृहद अर्थ प्राप्त है, देखिए, क्योंकि इसे एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन माना जाता है जिसमें विज्ञान व तकनीकी के तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी जब किसी समाज में ऐसा परिवर्तन होता है कि उस समाज में विज्ञान व तकनीकी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो समाज आगे बढ़ने लगता है, बड़ी बड़ी तकनीकें उस समाज में आ जाती हैं, तो तब उस समाज को हम कह सकते हैं कि ये समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, उसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, हम जिस समाज में रह रहे हैं, आज का जो टाइम है वो आधुनिकीकरण का ही टाइम है। जैसे देखिए, अब क्या है कि आप देख सकते हैं 4G था, अब 5G भी आ गया है। और पहले की बात करें तो 4G 5G कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ छोटा सा मोबाइल होता था कीपैड वाला, उसी से कॉल कर सकते थे लोग। लेकिन अब क्या है, 5G है, आप दूर बैठे किसी को भी वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, अपना मैसेज 1 सेकंड के अंदर किसी को भी पहुंचा सकते हैं। हर एक चीजें हैं, गर्मी लगी तो AC लगा लिया, कपड़े हाथ से नहीं धोना है वॉशिंग मशीन में धुल लो, हवाई जहाज से आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी ही है। तो देखिए, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी, ये सब के तत्व ही आज के समाज में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम जिस समाज में आज जी रहे हैं वो आधुनिकीकरण का ही समाज है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है आधुनिकीकरण, आई होप आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अब देखिए, आधुनिकीकरण के प्रभाव से समाज में परिवर्तन, जब भी किसी समाज में आधुनिकीकरण होने लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज से, उसके प्रभाव से समाज में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे, जब आपसे आधुनिकीकरण का अर्थ पूछा जाएगा तो उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिकीकरण के प्रभाव से समाज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। और अगर आपसे ये पूछ दे कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो भी आप यही लिखिएगा।
देखिए पहला पॉइंट है देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। देखिए जो देश का आर्थिक विकास है उसमें क्या बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगती है, उसमें डेवलप होने लगता है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है, लोग अपने ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, आत्मनिर्भरता आने लगती है। दूसरा है कि उद्योग धंधे अधिक विशिष्ट एवं कुशल हो जाते हैं, यानी जो उद्योग धंधे आज के टाइम में हो रहे हैं वो बड़े बड़े मशीनों से बड़े बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। पहले अगर कपड़ा भी बनाना होता था, बुनना होता था, तो उसे हाथ से ही उस मशीन को चलाई जाती थी, लकड़ी की मशीन हुआ करती थी, मगर आज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कपड़े बहुत कम टाइम में जल्दी से जल्दी बन जाते हैं, हर एक चीज की बड़ी बड़ी मशीन है। तो जो उद्योग धंधे हैं वो बहुत ज्यादा विशिष्ट और कुशल हो गए हैं। किस कारण हुआ है? जब समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है उसी के कारण ये सारी चीजें समाज में हो रही हैं। तीसरा है पुराने कृषि यंत्रों एवं विधियों के सामान पर ट्रैक्टरों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ जाता है। देखिए जो पुराने यंत्र थे कृषि करने के, अब उसकी जगह नए नए यंत्र आ गए हैं, ट्रैक्टर से खेती की जाती है और रासायनिक उर्वरक का यूज किया जाता है खेती करने के लिए, और अब खेती करने के लिए भी कई कई तरह की मशीनें आ गई हैं। ये सब क्या, ये सब विज्ञान और तकनीकी के कारण ही हो रहा है। अब देखिए चौथा है प्रदत्त स्थिति अर्जित स्थिति को जन्म देती है। स्टूडेंट्स प्रदत्त स्थिति क्या है और अर्जित स्थिति क्या है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आप लोगों के एक यूनिट के अंदर आपको ये पढ़ना था कि प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति क्या है, तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ समझने के लिए। देखिए प्रदत्त स्थिति वो होती है कि जब कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसको जो स्थिति प्राप्त होती है, चलिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं जाति का, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ ऊंची जाति में तो उसको उस ऊंची जाति में पैदा हुआ तो ऊंची जाति की समाज में ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा सम्मान दिया जाता है, तो उस बच्चे को वो स्थिति जो मिलती है प्रदत्त स्थिति होती है, यानी जन्म से उसको समाज में अच्छी स्थिति मिल जाती है ऊंची जाति में पैदा होने की वजह से। और अगर कोई बच्चा नीची जाति में पैदा हुआ तो वो चाहे बड़ा होने के बाद कितनी भी कोशिश कर ले वो मतलब ऊंची जाति के समान नहीं हो सकता, वो नीचा है, नीच जाति का है, ये बात उस चीज को वो कभी बदल नहीं सकता, तो वो उसको जन्म से प्राप्त है, वो प्रदत्त स्थिति है जो उसको जन्म से प्राप्त है कि वो नीची जाति का है। लेकिन अगर वही नीची जाति का बच्चा बड़ा हो, बड़ा होके पढ़ लिख के बड़ा इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो वो स्थिति क्या है उसके लिए अर्जित स्थिति बन जाएगी। यानी नीची जाति का वो था, उसको जन्म से मिली है तो वो उसकी प्रदत्त स्थिति है, मगर वो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करके ऊंची पोस्ट पर चला गया, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो वो उसके लिए उसकी अर्जित स्थिति है जिसके लिए उसने मेहनत की है, दिन रात लगा के उसने मेहनत की, पढ़ाई की, और फिर उस वजह से उसे बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, तो वो स्थिति उसके लिए अर्जित स्थिति बन जाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति क्या होती है। तो देखिए जब समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ता है तो जो प्रदत्त स्थिति होती है, यानी आदमी अगर किसी भी ऐसी स्थिति में पैदा हो गया जन्म से जो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो उसको बदलकर अर्जित स्थिति में बदल करके अच्छी पोस्ट को पा सकता है और समाज में इज्जत और सम्मान उसको भी दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए पांचवा है नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, यानी नगरों का विकास हो रहा है, ज्यादा नगर बन रहे हैं, लोग नगरों में बस रहे हैं और लोग बेरोजगारी से मतलब बेरोजगारी कम हो रही है, लोग नगरों में जाके काम कर रहे हैं और नगरीकरण का मतलब कि शहरों का विकास हो रहा है, ये सब आधुनिकीकरण के प्रभाव से हो रहा है। उसके बाद देखिए छठा है समानता धीरे धीरे अस्थिकरण का स्थान ले लेती है। स्टूडेंट अस्थिकरण क्या होता है? अस्थिरीकरण, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई थिंक ये आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में ये भी आपका एक टॉपिक था, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने आपको पढ़ा रखी थी। तो जब समाज में ये जो ऊंची नीची जातियां देखने को हमें मिलती हैं या फिर कोई भी पद के द्वारा ऊंचा नीचा होता है कि जो नीची जाति का है ऊंची जाति का है, तो ये एक स्तर बन जाता है नीच जाति और ऊंच जाति का, तो इस तरह से ये अस्थिकरण का स्थान ले लेती है। जो समानता थी समाज के अंदर वो मतलब जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, आधुनिकीकरण होता जा रहा है, तो जो लोगों के बीच में समानता थी वो धीरे धीरे अस्थिरीकरण का स्थान लेती जा रही है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी अगली हेडिंग है आधुनिकीकरण के सूचक। एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आधुनिकीकरण के क्या सूचक हैं। तो देखिए, जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अनुसार बताया है कि आधुनिकीकरण के क्या क्या सूचक होते हैं। तो देखिए, अब इसको देखिए, डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक, देखिए डेनियल लर्नर की एक पुस्तक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। देखिए, इनकी पुस्तक का नाम है द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट। तो इन्होंने, डेनियल लर्नर ने अपनी इसी बुक में, मतलब आधुनिकीकरण का जो पश्चिमी मॉडल है उसको एक्सेप्ट किया है, जो पश्चिमी मॉडल है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि आधुनिकीकरण क्या होता है। फिर उसी के हिसाब से उन्होंने आधुनिकीकरण की विशेषताओं के बारे में बताया है, और ये चीज उन्होंने अपनी इसी बुक के अंदर बताई है। बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में बुक का नाम दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि किसकी बुक है, तो याद रखिएगा द पासिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट, डेनियल लर्नर की बुक है। तो देखिए, उन्होंने क्या है अपने बुक में लिखा है कि उन्होंने पश्चिमी मॉडल को स्वीकार किया है और उसकी विशेषताओं को बताया है। देखिए, पहली उन्होंने विशेषता बताई कि बढ़ती हुई साक्षरता। देखिए, जब समाज में आधुनिकता का विकास होता है, आधुनिकीकरण होता है, तो उस समाज में जो साक्षरता की दर होती है उसमें बढ़ावा होने लगता है, बढ़ने लगती है। देखिए, साक्षरता का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि समाज में ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग दिखने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, लोग शिक्षा को ग्रहण करने की तरफ जाते हैं। और यही अगर नहीं होता, आधुनिकीकरण किसी समाज में न होता, तो लोग ज्यादा पहले क्या होते थे कि अनपढ़ हुआ करते थे, पढ़ लिख नहीं पाते थे। मगर आज के टाइम में आप समाज में, किसी भी समाज में देखेंगे तो साक्षरता दर होती है। तो उन्होंने बताया कि आधुनिकीकरण के कारण साक्षरता दर भी बढ़ती है। दूसरा उन्होंने बताया कि बढ़ता हुआ नगरीकरण, यानी नगरीकरण का भी विकास होता है, नगरों का विकास होता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जैसे बढ़ते हुए साधन भी होते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, पुस्तक हो गई, रेडियो, इन सभी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है। लोग समाचार पढ़ना चाहते हैं, लोग बुक भी पढ़ते हैं, तरह तरह की अच्छी अच्छी बुक आती है, रेडियो पर लोग समाचार भी सुनते हैं। तो इन सब, ये सब जो साधन है, इनका भी यूज ज्यादा होने लगा और ये सभी साधन हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को भी मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन सभी से मनुष्यों की क्षमता बढ़ती है। देखिए, अगर आप समाचार सुनेंगे तो आपको ना हर जगह की बारे में पता रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, जितने करंट अफेयर्स होते हैं आपको सारी चीजें पता रहेंगी। और करंट अफेयर्स अक्सर बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी का ही अगर हम बात करें, तो उसमें करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे क्या है कि मनुष्य की जो क्षमता है वो बढ़ती है और राष्ट्र के आर्थिक लाभ होता है, और राष्ट्र को भी आर्थिक लाभ होता है। और इससे क्या होता है कि जब आर्थिक लाभ होता है तो जो लोग नौकरी करते हैं उनकी आय भी बढ़ती है। उसके बाद है राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को उन्नत करने में भी सहायता देता है, यानी आधुनिकीकरण जब होता है तो जो राजनीतिक जीवन है उसकी विशेषताओं को भी उन्नत, यानी उसको भी प्रोग्रेस करने में, उसको भी आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये पांच विशेषताएं उन्होंने बताई, किसने? डेनियल लर्नर ने बताई, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, दूसरा है आधुनिकीकरण के सूचक में, आप देखिए दूसरे एक विद्वान है आइजनस्टैड। इन्होंने अपनी बुक में बताया, देखिए इनकी बुक है मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज, ये बुक है आइजनस्टैड की, याद रखिएगा। बुक अक्सर एग्जाम में दी जाती है और नाम पूछा जाता है। तो उन्होंने आधुनिकीकरण को निम्न तरह से बताया है, देखिए उन्होंने क्या क्या बताया कि आधुनिकीकरण जब होता है तो किन किन क्षेत्रों का विकास होता है। तो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र के बारे में बताया कि आर्थिक क्षेत्र का विकास होता है, प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो ऊंचा होता है इसके कारण। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बताया कि राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा विकास होता है, उन्नति होती है। तीसरा कि सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा होता है, उसका भी विकास होता है। संचार का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, जो संचार का क्षेत्र है, जैसे कि कम्युनिकेशन करने का जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है। उसके अलावा परिस्थितीय क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, यानी नगरीकरण में वृद्धि हुई है, यानी नगर बढ़ रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने ये पांच चीजें बताई हैं, कौन कौन सी? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संचार और पारिस्थितिकीय। तो देखिए, जो पारिस्थितिकीय उन्होंने बताया, इसमें उन्होंने यही बताया कि नगरीकरण में वृद्धि होती है।
तो स्टूडेंट्स ये थे आधुनिकीकरण के सूचक, इसके एग्जाम में जरूर आता है, तो आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। बुक का नाम भी अच्छे से मेंशन कर करके लिखिएगा, ब्लैक पेन से बुक का नाम लिख लिख के, ताकि आपको एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करे तो अच्छे से देखे और आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज की वीडियो में आधुनिकीकरण का अर्थ, उसके प्रभाव से समाज में जो परिवर्तन आते हैं और इसके जो सूचक हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी सभी यूनिट्स को अच्छे से कंप्लीट करवा रही हूँ, और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में अपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके भी यूनिट्स कंप्लीट करवाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, यानी उसकी क्लास भी मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए भी आप लोग मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, और अपने बीए के ये सोशियोलॉजी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।